पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रयागराज में पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की 3 वारदातों का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना मोहम्मद रिजवान, जो कि हैंडबॉल का स्टेट लेवल का प्लेयर है, बताया जाता है कि वो जिस टीम से हैंडबॉल खेलता था वहां से उसको कई मेडल जीते हैं। रिजवान नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में भी शिरकत कर चुका है। लॉकडाउन के दौरान उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लूट की 3 वारदातों का अंजाम दिया। बता दें कि पूरा मामला प्रतापगढ़ का है। पुलिस ने रिजवान के पास से लूट के आभूषण, मोबाइल फोन व कुछ नगद पैसों के साथ ही एक चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक रिजवान ने लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 9 तारीख की शाम को सुराव थाने के अंतर्गत मिथिलेश सोनी नाम के व्यक्ति से 3 व्यक्तियों ने एक लूट की घटना का अंजाम किया। वो सर्राफा व्यापारी हैं, उनके साथ उनके सर्राफा के सामान भी थे। शाम की बात है, लगभग 6:15 पर जब इन्होंने लूट की थी। लूट करके ये लोग गांव की तरफ सड़क की जो गांव की तरफ जो जाने वाला रोड है उस तरफ ये लोग गए थे। उस समय से हम लोग इस कार्य में लगे हुए थे, इस केस को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई थी। हमारी मेहनत और सूचना के आधार पर, लोगों के सहयोग के आधार पर हम इन लोगों तक पहुँचे और उसमें 3 को चिन्हित कर लिया है, जिसमें से 1 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इन्हीं के पास से हमें सारी लूट की सामग्री भी पूरी तौर से 100% बरामद हुई है, उस बैग के साथ में जिसमें सर्राफे का सामान था।